हेलो फ्रेंड्स, मैं मानसी मौर्य एंड नाउ यू आर वाचिंग M.M एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, हम क्लास 12th बायोलॉजी के टर्म 2 एग्जाम के बारे में बात करने जा रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको वीडियोज़ के नोटिफिकेशन वगैरह मिलते रहें। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम बात करने जा रहे हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, जो कि है आपका चैप्टर 10, है ना। तो चैप्टर 10 से तो आपके टर्म 2 एग्जाम में भाई क्वेश्चन आने ही आने हैं। हाँ जी बिल्कुल आएगा, है ना। तो यहाँ पे हमें चैप्टर 10 से ऐसे क्या क्या टॉपिक पढ़ लेने हैं, ऐसे क्या क्या टॉपिक्स पढ़ लेने हैं जो कि भाई आपके एग्जाम में पूछे ही जाएं, हम कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ना पढ़ें जिससे हमारा टाइम वेस्ट ना हो, है ना, क्योंकि अब हमारे पास टाइम बहुत कम है। तो यहाँ पे हम कुछ ऐसे टॉपिक देखेंगे जो कि हाँ जी बिल्कुल आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे, बोले तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं, जो कि आपके टर्म 2 एग्जाम में इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ओके बिल्कुल, इन क्वेश्चन से, इन टॉपिक्स से क्वेश्चन आए होंगे जिनकी जिनकी मुलाकात आपसे आपके एग्जाम में होने वाली है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो यार कॉपी पेन लेके बैठ जाइए या फिर आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। ओके, तो देखते हैं क्या कुछ बातें हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में है। ओके, हम यहाँ पे देखेंगे हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें ना पढ़नी पड़े, हम ऐसे ऐसे ही टॉपिक्स देखें जो कि भाई हमारे एग्जाम में पूछे जाएँ, हम फालतू की चीज़ें ना पढ़ें। ओके, तो यहाँ पे हम माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से हम फर्स्ट थिंग देख लेंगे माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। तो हमें पता है कि हमारे हमारे चैप्टर में क्या क्या है। फर्स्ट थिंग तो है लैक्टोबैसिलस, जो कि हमने पढ़ रखा था। लैक्टोबैसिलस आपका क्या बना रहा था, आपने देखा था ना, कर्ड। तो ये सारी चीज़ें हमें पढ़ लेनी है। ओके, और यहाँ पे हम देखेंगे सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, जो कि एक ईस्ट है, है ना, ये आपका एक बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको बकायदा पढ़ लेनी है, और ये फॉर्म क्या कर रहा था, ब्रिड कर रहा था। ओके, फिर उसके बाद हम देखेंगे माइक्रोब्स फर्मेंट सेफ फ्रॉम प्लांट। ओके, जो कि टॉडी बना रहा था, जो कि एक पीने वाला मटेरियल है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देख लेनी है। स्विस चीज़ ये सब आप पढ़ लीजिएगा। फिलहाल तो यहाँ पे मैंने ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट से। तो यहाँ पे यार इतने 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 में से कुछ ना कुछ रहना है, और यहाँ पे मैंने आपसे ये बातें बता भी दी हैं कि आपको ये पढ़ना है। ओके, और यहाँ पे माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में आपको क्या क्या पढ़ लेना है, फर्मेंटेड ब्यूअर्जेस देख लीजिएगा आप, एक जो कि क्या है, इथेनॉल है, जो किससे बनाया जाता है भाई, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी से, है ना, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। एंटीबायोटिक पेनिसिलियम, पेनिसिलियम नोटेटम से बनता है। तो ये सारी चीज़ें, ये सब आपके इंडस्ट्री में ही तो काम आते हैं ना, फर्मेंटेड ब्यूअर्जेस, एंटीबायोटिक पेनिसिलियम। तो वैसे माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स एंड माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ें पढ़ लेनी है। फिर ये दो चीज़ें आप देख लिए इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में, एक तो फर्मेंटेड ब्यूअर्जेस, फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें बता दी कि हाँ भाई कैसे किससे बनता है, कैसे तो नहीं, कैसे बनता है, ये चीज़ें आप देख लीजिएगा अपनी बुक में। लेकिन हाँ यार, ये पॉइंट, ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, बेहद इंपॉर्टेंट हैं यार, मतलब मिस ना करिएगा, पढ़ ज़रूर लीजिएगा, वरना मेरी बात याद रखिए, आप जब क्वेश्चन पेपर देखोगे ना तो पछताओगे ज़रूर। ओके, तो यहाँ पे ये थर्ड पॉइंट क्या है आपका, ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड में क्या क्या है, एस्पर्जिलस नाइगर है, जो कि क्या है, सिट्रिक एसिड है, एसिटोबैक्टर एसिटाई है, कोलेस्ट्रीडियम है, लैक्टोबैसिलस है, कोलेस्ट्रीडियम जो कि एक ब्यूटेरिक एसिड है, लैक्टोबैसिलस जो कि एक लैक्टिक एसिड है। तो इतने सारे आपके ऑर्गेनिक एसिड हैं जो कि आपको इस चैप्टर में पढ़ना है, बस इससे ज़्यादा आपको ऑर्गेनिक एसिड में भैया कुछ नहीं पढ़ना है आपको इस चैप्टर में। ओके, फर्स्ट थिंग आपने क्या देखा, माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट में केवल और केवल आपको चार चीज़ें पढ़नी है, और यहाँ पे मैंने आपको ये चीज़ें बता दी हैं, कौन बनाता है, कैसे बनाता है, सॉरी क्या बनता है, कैसे बनता है, वो चीज़ें आप देख लीजिएगा अपनी बुक में। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ चार ही चीज़ें हैं, एक तो लैक्टोबैसिलस, एक सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, माइक्रोब्स फर्मेंटेड सेफ फ्रॉम प्लांट, ये चीज़ें आप देख लीजिएगा। ओके, और यहाँ पे फर्मेंटेड ब्यूअर्जेस में सिर्फ और सिर्फ इथेनॉल है, जो कि सैक्रोमाइसिस सेरेविसी से बनता है। ओके, है ना, इसी को आप एथेनॉल बोलते हो, फर्मेंटेड ब्यूअर्जेस को। हाँ जी बिल्कुल, जो आप सोच पा रहे हो सही सोच पा रहे हो, जिसे पी के इंसान टल हो जाता है वही है। एंटीबायोटिक पेनिसिलियम, ओके, जो कि आपका फर्स्ट एंटीबायोटिक था, है ना, पेनिसिलियम नोटेटम से आपका बनाया जाता है। ऑर्गेनिक एसिड सारे देख लीजिएगा। ओके,
ऑर्गेनिक एसिड आपको कौन कौन से देखने हैं, एस्पर्जिलस नाइगर, एसिटोबैक्टर एसिटाई, कोलिस्ट्रीडियम, लैक्टोबैसिलस, ये चीज़ें हैं। और फिर उसके बाद फोर्थ नंबर पे आप देख लीजिएगा एंजाइम्स कुछ हैं। कुछ एंजाइम्स कौन कौन से हैं, फर्स्ट थिंग आप देख लीजिएगा लाइपेज, और फिर उसके बाद पेक्टिनेजेस देख लीजिएगा, पेक्टिनेजेस एंड प्रोटीएजेस। लाइपेज, लाइपेज ये आपका किस काम में आता है भाई, एज अ डिटर्जेंट काम करता है ना। तो ये चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा यार, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। स्ट्रेप्टोकाइनेस पढ़ लीजिएगा। फिर यहाँ पे कुछ बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं फिफ्थ नंबर पे। ये सब अभी बात हो रही है माइक्रोप्सिन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की। ओके, माइक्रोप्सिन हाउस होल्ड प्रोडक्ट एंड माइक्रोप्सिन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में फिफ्थ नंबर पे ये जो कुछ आपके बायोएक्टिव मॉलिक्यूल हैं, इसमें क्या है, स्टैटिन है, साइक्लोस्पोरिन है, दैट्स ऑल। ओके, तो ये तो रहे आपके माइक्रोप्सिन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। ओके, फिर ये यहाँ पे आप कुछ पॉइंट्स देख लीजिए, माइक्रोप्सिन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। ओके, तो यहाँ पे माइक्रोप्सिन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस में यार आप एक चीज देख लीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पे काम क्या करता है, क्या इन्वॉल्व होता है, मीथेनोबैक्टीरियम। क्या इन्वॉल्व होता है जी, मीथेनोबैक्टीरियम। ओके, तो ये चीजें आप देख लीजिएगा। यहाँ पे आपको एक डायग्राम देखने के लिए मिलेगा, डायग्राम भैया बड़ा मस्त है। ओके, डायग्राम जरूर देखिएगा इसका। ओके, तो वैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम वाले वीडियो में मैंने ये डायग्राम आपको इम्पोर्टेंट बताया है। ओके, तो देख लीजिएगा ये टिपिकल बायोगैस प्लांट। ओके, ये डायग्राम मस्ट है, इम्पॉर्टेंट है। माइक्रोब्स एज बायोकंट्रोल एजेंट। ओके, माइक्रोब्स एज बायोकंट्रोल एजेंट, जिसमें आपको ट्राइकोडर्मा वगैरह देखने के लिए मिल जाएगा, माइक्रोब्स इन बायोकंट्रोल एजेंट। माइक्रोब्स एज बायोफर्टिलाइजर्स, माइक्रोब्स एज बायोफर्टिलाइजर्स में आपको क्या क्या देखने के लिए मिल जाएगा, बैक्टीरिया देखने के लिए मिल जाएगी, फंजाई देखने के लिए मिल जाएगा, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी देखने के लिए मिल जाएगी। इतनी चीज़ें हैं आपकी यहाँ पे चैप्टर नंबर 10 माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में। इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं पढ़ोगे तब भी आपका उद्धार हो जाना है यहाँ चैप्टर 10 में। ओके, इससे बाहर चैप्टर 10 में आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, कुछ नहीं पूछा जाएगा यार। अगर आप इतना तैयार कर लेते हो ना तो चैप्टर 10 आपका पूरा तैयार है। आप इतना पढ़ के आप अपने एग्जाम में जा सकते हो। चैप्टर 10 की बात कर रही हूँ मैं। ओके, और चैप्टर 8 नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप जाके देख सकते हो। और चैप्टर 11th चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, जैसे ही मैं अपलोड करूँगी यार आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके, तो यार बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड इफ यू वांट टू मोर वीडियोस, सो फ्रेंड्स लाइक एंड सब्सक्राइब m.m education YouTube चैनल। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।